सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश सिंह मशीन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक्चुअली इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चांपा को ऊपर कैसे करें गेंदरा सिलाई करने के लिए। तो कुछ लोग क्या किए थे, उसको चांपा को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिए थे, इसके कारण सुरेट से चांपा पर बजरा रहा था, चांपा टूट गया और फिर नीचे भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस फेस प्लेट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर पहले आप लोग समझिए, जो चांपा ऊपर हो जाता है और नीचे नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, चांपा को हल्का सा नीचे करना है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा केस में तो चांपा तो नीचे आ रहा है, पर कुछ मशीन में क्या हो रहा है कि चांपा नीचे नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सुरेट भी बजरा रहा है, इस पर बढ़िया से नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए आप लोग को बताए थे मैं, इसके अनुसार ही उठाना है रड, जो नीडल रड है इसके अनुसार ही ऊपर करना था, पर कुछ लोग क्या किए बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिए हैं कि मोटा कपड़ा चले, पर नहीं उससे फिर नहीं चलेगा और फिर सुई भी टूटेगा और फिर चांपा भी टूट जाएगा। तो सबसे पहले एक पिक्चर्स लेना है, स्क्रूप लेना है, स्क्रूप लेने के बाद आप लोग को फेस प्लेट को ओपन करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले ओपन कर लेना है फेस प्लेट को। फेस प्लेट ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, चांपा जैसे सेट है उसे ही रहने दीजिए। आप लोग को एक चांपा के ऊपर एक नट मिल रहा होगा छोटा सा, देख सकते हैं पहले यहाँ पर समझिए, देखिए बहुत ज़्यादा ये ऊपर आया है, इसे हल्का सा वो नीचे रहेगा, समझिए नीडल रड से बजाना नहीं चाहिए बस। तो इस नट को ढीला करना है, हल्का सा इस नट को ढीला कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को ढीला करके इस रड को हल्का सा नीचे करना है, नहीं हो तो ऊपर से रड से हल्का सा खटखटाए, नहीं तो फिर पिलास से हल्का सा नीचे कर लीजिए, नीचे हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अब नहीं सट रहा, यहाँ पर देख सकते हैं मशीन भी फ्री चल रहा है, ना ही चांपा पर बजरा रहा, तो अब ना ही सुई टूटेगा ना ही चांपा टूटेगा और काम भी आपका हो जाएगा। देखिए इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा फिर आवाज़ देगा, फिर सुई बजाएगा इस पर, फिर चांपा टूटने का डर रहेगा, चांपा नीचे भी नहीं आएगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इससे आप ऊपर नहीं कीजिए, आप गेंदरा चला रहे हैं भी तो इससे ऊपर नहीं चलाइएगा, इससे ऊपर फिर चल भी नहीं करेगा। फिर इसके बीच बीच जो कटिंग देख रहे हैं एकदम इसके बीच बीच में सुई को रखना है। एक्चुअली क्या करते हैं, सुई में एकदम सटा के रखते हैं तो इसी कारण सुई टूटने लगता है। तो आप लोग क्या करना, एकदम इसके बीच बीच में रखना, जैसे देख सकते हैं जो चांपा है इसके एकदम बीच बीच में सुई को नीडल को रखना है, सुई को एकदम बीच बीच में रख के फिर आप लोग को इसे नट को पूरा फुल टाइट करना है, इस नट को पूरा फुल टाइट कर देना है, जो छोटे से नट है इसे पूरा फुल टाइट कर देना है। पूरा फुल टाइट करके आप लोग को फिर से चला के देखना है। अब पूरा मशीन में तेल दे दीजिए, आपकी भी सिलाई मशीन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी नहीं समझ में आया तो हमें वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर शेयर करें, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर फेस प्लेट को आप लोग को टाइट कर देना है, अब आप लोग को चला के देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब नहीं सट रहा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा कि चांपा इससे ऊपर नहीं करना है, नहीं तो फिर सुई टूटेगा फिर चांपा टूट जाएगा। तो चलिए वीडियो सुन, वीडियो को लाइक करके चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर कोई इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिलता और मिलते रहेगा। मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी समझ में आए तो हमें वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आपकी सिलाई मशीन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ समझ लीजिए, इससे नीचे ही रखिएगा चांपा को, इसके बीच बीच में रखिएगा, जो कटिंग है इसके बीच बीच में रखिएगा, फिर सुई वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।